वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का जानने का, और बड़ी खबर खटीमा से है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट खटीमा में पहुंचने वाले हैं, और यहां पर सीएम आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खटीमा में सीएम आपदा के दौरान तबाह हुई सड़कों और दूसरी व्यवस्थाओं को जानेंगे। आपदा से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और इसके अलावा अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा खटीमा में है। आपदा से कितना नुकसान हुआ है, आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, नुकसान का आकलन करेंगे, जो सड़कें तबाह हुई हैं, दूसरी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं उनको देखेंगे, और आपदा से जुड़े मामलों में अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। आपको बता दें, बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में हुआ है, और आज खटीमा जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। यहां भी आपदा के कारण बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हैं, और यहां कितना नुकसान हुआ है अधिकारियों से उस पर फीडबैक लेंगे। जो सड़कें टूटी है, तबाह हुई है, दूसरे नुकसान हुए हैं, लोग जो प्रभावित हुए हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। अपने विधानसभा में लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज का ये उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज वो खटीमा जा रहे हैं, जो उनकी विधानसभा भी है। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, आपदा में तबाह हुई सड़कों, दूसरी व्यवस्थाओं को देखेंगे, अधिकारियों से इस पर फीडबैक भी लेंगे। आपदा से जुड़े मामलों में अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जिलों का दौरा करके खुद प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं, और अधिकारियों को निर्देशित उन्होंने किया हुआ है कि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज राणा पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा पंकज का ही रुख करते हैं। जी पंकज, बताइए, खटीमा जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री, नुकसान का आकलन करेंगे, लेकिन अभी तक नुकसान की अगर बात की जाए तो कितने बड़े पैमाने पर इस आपदा से उत्तराखंड प्रभावित हुआ है, और किस तरह की मदद का ऐलान अपने विधानसभा के लिए आज पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मोटे मोटे आकलन की बात की जाए तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का आकलन अभी राज्य सरकार ने किया है। इसका जिलेवार और पूरी तरह से विभागवार भी आकलन इसका किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम ही खटीमा पहुंच गए थे, और कल उन्होंने कई अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है। रात को वो वहीं रुके थे, और फिर आज भी उनका खटीमा में अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा रहेगा, क्योंकि खटीमा जो काफी प्रभावित क्षेत्र है और मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि वो अपनी विधानसभा के लोगों के लिए भी चिंतित हैं कि किस तरह से उनको सहायता पहुंचाई जाए। उधम सिंह नगर के 2-3 विधानसभाओं पर काफी आपदा का प्रभाव पड़ा था, उन्हीं सभी विधानसभाओं के अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे, विधायक भी उसमें मौजूद रहेंगे, और जो ग्राम्य विकास मंत्री हैं यतीश्वर आनंद, वो उनके साथ मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से स्थल निरीक्षण कर पहले नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उसके साथ साथ पिथौरागढ़ का तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, और एक आकलन करने के निर्देश दिए थे कि आपदा से कितना बड़ा नुकसान प्रदेश में हुआ है, तो उसका जिलेवार और विभागीयवार पूरी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपी जाए। हालांकि उसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन मोटे मोटे स्तर पर अभी 7,000 करोड़ रुपए के आकलन का नुकसान राज्य सरकार को पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और अन्य अन्य तमाम जो विभाग हैं उनके आधार पर मिला है। और ये कहा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर राज्य सरकार ने इसमें जो भी हताहत लोग हुए थे उनके मुआवजा बढ़ाने की बात भी कही है। इसके अलावा जो जिनके भवन टूटे थे उनका भी मुआवजा बढ़ाया गया है, और कृषि से नुकसान के लिए भी राज्य सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको कृषि के नुकसान का मुआवजा दिया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे, खासकर अपनी विधानसभा के लोगों से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि वो सीमावर्ती क्षेत्री भी है, खटीमा नेपाल से मिला हुआ बॉर्डर भी एरिया भी है, तो वहां पर जो भी दिक्कतें हुई हैं उनका तत्काल नुकसान का मुआवजा दिया जाए, लोगों को प्रभावित जो लोग हैं उनकी सहायता की जाए, जो भी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं, और ऐसे में आज जब अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे तो किस तरीके के ऐलान करते हैं, किस तरीके से मदद करते हैं अपने लोगों की, ये देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ पंकज।